नमस्कार, मैं हूं छोटे खान, बने रहे न्यूज टुडे झारखंड के साथ। लाल बाबू सिंह नहीं लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव, पार्टी को बताया सर्वोपरि। बता दे धनबाद कि समाज सेवी लाल बाबू सिंह ने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। वहीं मंच के माध्यम से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी में वो धनबाद विधानसभा सीट से प्रबल दावेदारी की सूची में थे, किन्हीं कारणों से वे पार्टी की ओर से धनबाद सीट से चुनाव नहीं लड़ने से वंचित होना पड़ा। परंतु पार्टी के सिर से नेतृत्व ने यह भरोसा दिया है कि पार्टी आगे भविष्य में उनके बारे में एक सकारात्मक सोच रखते हुए आगे मौका जरूर देगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर धनबाद के हजारों हजार समर्थकों ने निर्दलीय चुनाव में जाने पर जोर भी दिया था, पर पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने के निर्णय को वापस ले चुका हूँ। अभी मैं आपको इतना जरूर कहने जा रहा हूँ कि मैंने मुझसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बात किया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ धनबाद की जनता ने जो मुझे प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और जो मुझे सपोर्ट दिया, उस हिसाब से मैंने धनबाद के लिए प्रबल दावेदार था। बट कोई समीकरण के कारण मुझे टिकट से वंचित रखा गया, बट पार्टी ने मुझे आश्वस्त किया कि आगे भविष्य में मेरे लिए पार्टी सोचेगी और करेगी। इसलिए आज हमारी जो धनबाद की जनता थी और जनता जनार्दन, जो हमारे भाई मित्र दोस्त जो कि यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उन्होंने मुझसे उम्मीद लगा कर रखा था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, और मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूँ कि अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता तो एक निष्कर्ष पे पहुँचता और मेरी जीत मैं सुनिश्चित करता, क्योंकि धनबाद की जनता ने जो मुझ पर आस्था दिखाई है, मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से मैं धनबाद से जीत सुनिश्चित करता। परंतु मैं पार्टी का निर्णय मानकर मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला अभी लिया हूं, बट हमारी जो जनता जनार्दन है उन्होंने कहा कि नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। परंतु मैंने इनको समझाया बुझाया और एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि ठीक है, एक बार टिकट नहीं मिलने से पार्टी का विरोध नहीं करना है। जो पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बहुत इज्जत दिया, मुझे बात करने का और मेरी बातों को रखने का मौका दिया, मुझे भविष्य उम्मीद है कि मुझे इससे भी बड़ा पद पार्टी मुझे देगी, ये मुझे उम्मीद है। और पार्टियों के ऑफर मिले हैं अब तक? अब मैं उस पर कोई निर्णय और मैं डिस्क्लोजर नहीं करना चाहता हूँ, और मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं अपने दोस्तों से निर्णय लेकर मैं इन्हें मोटिवेट करूँगा कि चुनाव में भागीदारी अपनी पूर्ण भागीदारी निभाए, और हम लोग सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी को, उसको अपना वोट देकर उसके प्रत्याशी को जिताने का काम करें। समर्थन भाजपा के उम्मीदवार को होगा या किसी और? हम लोग भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन देने का पूरा प्रयत्न करेंगे, परंतु हम अपने जितने भी धनबादवासी हैं जिन्होंने मुझे इस स्तर तक पहुंचाया, तो मैं उनसे एक बार फाइनली निर्णय करके और मैं समर्थन देने के लिए मैं स्वतंत्र निर्णय लूंगा। सर यहाँ पे सर सबको चढ़वा देता मंच पलट क्या बात। अरुण।